सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो सोरठ महला नौवा माई मन मेरो बस नाहे निस बासुर बिखियन कौ तावत के विद रोको ताहे माई मन मेरो बस नाहे निस बासुर बिखियन कौ तावत केह बिद रोको ताहे रहाओ वेद पुराण सिमृत के मत सुन निमख ना हिए बसावै वेद पुराण सिमृत के मत सुन निमख ना हिए बसावै पार धन पार दारा स्यों रचियो बिरथा जन्म सिरावै मद माया कै भयो बावरो सूजत नह किछ कछ ज्ञाना घट ही भीतर बस्त निरंजन ताको मर्म ना जाना जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जम की फांसी जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जम की फांसी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर संध्या वेले दे इस गुरमत दीवान दी हाजरी पर रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी का सोरठ राग दे सतवें शब्द का पाठ जिस दी विचार आप अज करनी है आप जी ने श्रवण किया है। आओ इस अमृत शब्द दे अखरी अर्थ समय अनुसार इस दी व्याख्या आप कर सकीए। आप जितने हजूर दे चरणा विच उपस्थित हो अदब सहित उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री
वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अज दे इस शब्द दियां रहाओ दियां तुकां विच जो बख्शिश कीती है वो इस प्रकार है। सोरठ महला नौवां, ये भावें असी शब्द रोज़ पढ़ रहे हाँ पर लड़ीवार कथा का मतलब यही है। भावें वो लफ्ज़ रोज़ रिपीट होवे उहदे अर्थ करने बहुत जरूरी ने। सोरठ राग है और नौवें सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का अमृत शब्द है। हजूर ने फरमाया माई, कल असी इहदे अर्थ कीते सन मां, हे मां मन मेरो बस ना है। मन असी सारे जानने आ, रोज शब्द ये वरत रहे हाँ। उंज गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे अनुसार जे देखिए साडे शरीर दे अंदर परमात्मा वल्लों ओ टिकाई हुई शक्ति जिहड़ी संकल्प विकल्प इच्छा तृष्णा आदिक जिहड़ी ये शक्ति है, उंज वैसे सीधे दो लफ्ज वरदे ने संकल्पो विकल्पो वा मनु। जो संकल्प ते विकल्प लगातार पैदा करे सो मन कहने। भावां के संकल्प ते विकल्प शब्द सिखां विच बड़ा वरतने असीं, जिवें भगती दा संकल्प, राज दा संकल्प, तखत दा संकल्प, मीरी पीरी दा संकल्प। उंज वैसे पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच ना संकल्प लफ्ज आया ते ना विकल्प आया है। ये शब्द कोई नहीं पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच आया पर असी भी ये शब्द वरतने हाँ जी। कि मन एक विचारां दी पोटली कह लो, विचारां दी गंढ कह लो। उंज भावें मनोविग्ञानी जिहड़े ने वह ये शब्द नूं कॉन्शियस सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस ये गल आपां सैन होजे भी कीती सी। पर सीधी जी गल मैं कहांगा, मन वो शक्ति अदृष्ट जिहड़ी सारे शरीर विच वरतदी है ते सारिया इंद्रियां विच्चों रस ओ ही भोगदी पई है, रस ओ ही माणदी है। गुरु तेग बहादुर साहिब कहिंदे ने हे मां मन मेरो बस नाहे। मेरा मन जिहड़ा है वह मेरे बस विच नहीं, मेरे काबू विच नहीं, मैं इहनू अपनी गिरफ्त विच नहीं लै सकदा। क्यों नहीं जी? देखो अगे कहिंदे ने निस बासुर। मैं फिर अर्ज करांगा संस्कृत भी शब्द निश, ये पंजाबी विच गुरमुखी विच शब्द वरत्या गया सतगुरां ने निस, अगे है शब्द बासुर बब्बे नाल। संस्कृत च है वासर, इत्थे शब्द है बासर बासुर। निस दा लफ्ज़ी अर्थ रात है ते बासुर दा अर्थ दिन है। सीधा अर्थ दिन अते रात। मैं कल भी आपनों कहा सी ये लफ्ज़ अहनिस आएगा। ये सिर्फ तां मैं गल्लां कर रहा कि गुरबाणी च बड़े शब्द ने जिहड़े वार 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 आउंदे ने। उंज वैसे जे कोई इंसान दो कु सौ, दो सौ वैसे बहुत ज़्यादा है, दो कु सौ गुरबाणी दे शब्दां दा कोश चेते कर लै ना, उहनूं गुरबाणी समझ नहीं सौखी हो जाएगी। हुण सीधी गल, एक निस बासुर ते एक अहनिस, ये शब्द तो पल्ले बन लीए कि निस का अर्थ रात ते बासुर का अर्थ दिन। अगला शब्द में वरत्या अह निस, अह का अर्थ दिन ते निस का अर्थ रात। इत्थे सीधे अर्थ ने निस बासुर दिन अते रात। बिखियन को धावत, आम गुरमुखे दे अर्थ किते ने बिखन अर्थ किता वाशना, जां लफ्जी अर्थ किते ने पदार्थ। पर मेरा मन कहिंदा सी ये बिख दा बहुवचन है बिखियन। बिख दा अर्थ है विशा, बिख दा अर्थ है जहर। हजूर कह रहे ने कि मां हे मां मेरा मन वस विच नहीं, दिन अते रात ये विषयां दे विच विषयां विच परवर्तक परवृत्त है। जां निस बासुर बिखियन को धावत,
ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਦ ਰੋਕੂ ਤਾਹੇ ਕਿਹ ਦਰਥ ਕਿਸ ਬਿਦ ਦਰਥ ਤਰੀਕਾ ਵਸੀਲਾ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਯਤਨ ਜਾਂ ਹੀਲਾ ਰੋਕੂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂ ਤਾਹੇ ਤਾਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਮਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਇਹਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਣਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤਰਕ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗਿਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਆਹ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਨਰ ਹਰੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰ ਦਾਰਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਬਿਖੈ ਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਰਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰਕ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਛੱਡ ਅਤੇ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਿਆ ਪਰਾਏ ਤਨ ਵਿੱਚ ਖਚਤਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਜੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਨਾ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਭਟਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਸਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕਹਿ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ ਸਿਸ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜਿਉਂ ਡੋਲਤ ਇਹ ਲਵੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਡੋਲਤ ਸਵਾਨ ਡੋਲਤ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜਿਉਂ ਡੋਲਤ ਨਹਿ ਸੁਦ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਕੁੱਤਾ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਡੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਲਾਲਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਹ ਜਿਉਂ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਿਤ
उत्थे तुक सी कि सवान डोलदा पिया है, द्वार है द्वार सवान ज्यो डोलत, इत्थे कहे स्वामी को गृह ज्यों सदा सवान तजतनि नित, नानक ए बिद खर भजो एक मन होए एक चित। चीज़ तो एको ही है ना, कुत्ता बिंब एक है पर दो थावां ते गुरु साहिब वरत रहे, उन्हों लालच नाल भी कह रहे हैं ते उन्हों एकाग्रता दी भगती नाल भी कह रहे हैं। इस करके मैं बेनती करांगा कि ये मन दियाँ कई अवस्थावां बाणी च दित्तियां ने, किते निर्मल क्या, किते मैला क्या, किते कुत्ता क्या, किते हाथी क्या, किते ऊट क्या, किते मच्छी क्या, कमाल कर दित्ती महाराज ने। फिर कभी वक्त मिलिया आपां जिन्ने बिंब वरतने ने जानवरों के हिसाब नाल उन्हां दे गुण औगुण दसे। हुण देखो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी च मैं बेनती करांगा, मन वस च नहीं, पर इहदा मतलब नहीं भी इहदा साडे नाल संबंध ही कोई नहीं। जिन्ना मर्जी नलायक हो जाए, जिन्ना मर्जी निकम्मा हो जाए, याद रखियो परमार्थ इहदे तों बिना तय हो ही नहीं सकता, इहदी जरूरत पैणी पैणी है। इस करके कबीर साहब जी ने शब्द वरत्या, मम्मा मन स्यों काज है मन साध दे सिद्ध होए, उन्हां दा बचन है मम्मा मन स्यों काज है, तेरे परमार्थ दा काज मन नाल है, जे मन नूं साध देगा ते सिद्धता मिलेगी। याद रखियो कल्ला भगती मन की एकाग्रता नहीं, इत्थों तक जिहड़े बंदे पखंड करदे आ मन की एकाग्रता उह वी बना जांदे आ, पर बनांदे गलत पासे आ, वह अपनी सारी एनर्जी कट्ठिया कर देंगे। गुरु ग्रंथ साहिब एक समाधि लिए शब्द वरते हैं, बगल समाधि पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजस बगल समाधंग, बगल समाधंग एक होर बचन तुसी पढ़ते हो, हजूर ने फरमाया जिन्नी देर तक बगला अपनी सारी एनर्जी तन करके भी ते अंदरों भी, वह तन करके हिलदा नहीं, खलोता तो खलोता ही है, जे उस दी एकाग्रता है भावें उन्हें कपट करना है। मैं फिर बेनती करांगा कि जिवें कहिंदे वी बंदा बड़ा टिकिया जी इन्ने घंटे बह जांदा अखां बंद करके, मैं फिर बेनती करा ये भी एक अभ्यास है, कई बार ठग बंदे भी दो दो घंटे जग्यासू दे सामने बैठे रहिंदे आ, पर याद रखियो उन्हां दा अभ्यास बगले वर्गा हुंदा है, उन्हां दे अंदर की चल रहा है। सतगुरु ने बगल समाधम किया, अजा पाठ करने कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक, ध्यान ध्यान का लफ्ज़ अर्थ ही की है जी, हुण असीं कहने ध्यान दिया जी, जे तुसी कोश विच वेखोगे ध्यान का लफ्ज़ ही अर्थ ये वे किसी एक नुकते ते अपनी सारी एनर्जी नूं एकाग्र कर देना, ध्यान का अर्थ वे एक जगह ते केंद्रित हो जाना, वो चंगे पासे भी हो सकता है ते मंदे पासे भी हो सकता, क्योंकि ताकत ते उही है ना। इस करके मैं पहले आरंभ च कह रहा कि मन वो रब की दित्ती कोई ताकत है जिदे तो बिना ना दुनिया च चलिया जाना है ते ना दीन भी चलिया जाना। जे दुनिया विच तुसी पढ़ाई कर रहे हो आ बच्चे नूं कहिंदे हो भी मन टिका के पढ़, इहदा मतलब उहनूं तलीम वास्ते मन दे फुरनिया नूं रोकना पवेगा, भावें है तां शक्ति हो। इस करके बाणी ने कहा मम्मा मन स्यो काज कहे मन साध दे सिद्ध होए, मन ही मन से कह कबीरा मन सा मिलिया ना कोई, मन वर्गा तो यार ही कोई नहीं, मन वर्गा मित्र कोई नहीं, मन वर्गा सज्जन कोई नहीं। तो गुरमुखो याद रखो एदू वड्डा दुश्मन कोई नहीं, बंदा कहिंदा फलाना मैनू धोखा दे गया, गुरमुखो बाकी तो बाद भी धोखे देंदे ने, एदू वड्डा धोखेबाज ही कोई नहीं, ये धोखेबाज भी है मित्र भी है सज्जन भी है। इस करके मैं दो उदाहरण पहला वो जड़ियाँ दित्तियां वह तां दित्तियां भी कितने दुबदा ना मन च पै जी जी इत्थे आ बोलिया हुण ये बचन आ गए। हजूर ने इत्थे शब्द वरत्या माई मेरा मन वस विच नहीं, क्यों नहीं वस विच, गुरु तेग बहादुर साहब का मन बड़ा वस जे, ये तो सानू समत पै देंदे आ, उन्हां दा मन तो हर वेले सच्ची एवे कदी एकाग्रता भंग ही नहीं हुई। तो कई बार देखो जी समाधि है अंदर दी, एक तो हुंदा है जी ये बंदा शरीरक तौर पर बैठा है आराम नाल, इहदे नेत्र बंद ने बड़ा टिकिया है, गुरमत विच समाधि का अर्थ केवल अखां बंद करके बहना नहीं है जरूर, क्योंकि अंदर नूं देखण लई आपां इहनां नूं बंद कर रहे हैं ना, तो जदों अंदर किसी के शब्द की कला वरत जाए ये जरूरी नहीं अखां बंद करके गए, उहदी अखां खुल्लियां दी भी समाधि है।
बाणी च दो तीन श्लोक कट्ठे होंदे आ कबीर जी दे। एक श्लोक है, नीचे लोयन करूं ले साजन घट माहे, सब रस खेलू पीसो किसों लिखावूं नाहे। कहिंदे मैं अपने नेत्र बंद कर ले ते मैं किसे नूं अपना अंदर नहीं दिखा रहा। नीचे लोयन कर रहा हूं ले साजन घट माए, सब रस खेलू पीसों, पीद अर्थ पति परमात्मा। मैं नेत्र बंद कर लिया, मैं सारे आत्मक रस अपने परमात्मा पति नाल मिला रहा, मान रहा। मैं अखा क्यों खोलना, किसू लिखावू ना है। हुण अगला श्लोक पिछले नूं कटदा पे। अगले श्लोक विच है, आठ जाम चौसठ घरी तो निरखत रह जियो, नीचे लोयन क्यों करूं सब घट देखूं पियो। ये दो श्लोक सामने रखी, कई बार यदि व्याख्या की इत्थे। एक पासे नेत्र बंद ने, मैं अपने सज्जन नूं अपने हिरदे च मान रहा, ते दूजे पासे जदों दूसरे पड़ां ते भगत बोलदे ने उदों कहिंदे काहदी अखां बंद करन दी लोड़ जी। कहन लगे, जिहड़ा सज्जन तेरे घर च बैठा उह दूजे ते वी बैठा है। जे तेरा अंदर चंगा सियाणा हो गया, अख वेखण वाली होगी, जिहड़ा तू अपने अंदर वेखणा उह दूजे विच वी दिसेगा। इहनूं भाई नंद लाल साहिब ने गज़लां विच कहा, दिल अगर दाना बवद अंदर कनार सी यार हस्त। ਇਹ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਬੀਰ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਚੱਲਣੀ ਅੱਜ ਮਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲੱਭੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ, ਭੱਜਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਰੂੰ ਲੇ ਸਾਜਨ ਕਟਮਾਏ, ਸਭ ਰਸ ਖੇਲੂ ਪੀਸੂ ਕਿਸੋ ਲਿਖਾਵੂੰ ਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਆੜ ਜਾਮ ਚੌਸਠ ਘਰੀ ਤੌਰ ਨਿਰਖਤ ਰਹਿ ਜੀਓ, ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰ ਸਭ ਘੱਟ ਦੇਖੂੰ ਪੀਓ। ਕਿਉਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਨਾਰ ਸ਼ ਯਾਰ ਹਸਤ। ਹਸਤ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਇਕੱਠੇ ਦੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ। ਦਾਨਾ ਦਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਦਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੂ ਲੇਹ ਇਆਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਆਣੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਬੋ ਡੁੱਬੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ। ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਨਾਰ ਸ਼ ਯਾਰ ਹਸਤ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੇ ਨਾ ਬਹੀ, ਚਸ਼ਮਗਰ ਬੀਨਾ ਬਵਦ, ਬਿਨਾਂ ਦਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਾ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਢਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। 1.25 ਲੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ 1.25 ਲੱਖ ਲੜੂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੈ ਹੈ ਦੁੱਧ, ਖਾਲਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਛਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੀਬੀ ਪਕਾਰੀ, ਖਾਲਸਾ ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪੱਗ ਬੰਨ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਚਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਲੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੂਰਮਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲਫਜ਼ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਵਰਤਨੇ।
वो जो बोले ने उस वक्त दे बड़ी चढ़दी कला वाले ने जी। मैं फिर बेनती करांगा, दिल अगर दाना बवद अंदर कनार सी यार हस्त, चश्म गर बीना बवद हर तरफ दीदार हस्त। जे तेरिया अखा वेखण वाली ने हर तरफ उदा दीदार है, विषय तो दूर ना जावा। कि जो असी मन की गल करांगे, मैं क्या ये कई रूप कई अवस्थावां दसियां ने, थोड़ा जिहा इहनूं समझण लई मैं एक उदाहरण अक्सर लैंदा। ऐ जमीन ते जिथे असी बैठे हाँ, थोड़ी देर बाद इत्थे हनेरा होण वाला है, पर सारी धरती ते नहीं होना। इत्थे पछम च हनेरा हो रहा है ते पूर्व दे विच प्रकाश हो रहा, उत्थे चानण हो रहा है। धरती तो एक ही है ना, दो पाक क्यों? ये भी गुरबाणी ने कहा, एक मन का मल अंधकार पाई पक है, एक मन का प्रकाशमई पक है। ये सारा दिन बचत है, गुरुद्वारे भी इस तरह होंगे। ये जेड़ा पासा सूरज तो दूर है, जिमें उत्थे देखो इत्थे हुण हनेरा हो रहा है, जेड़ा सामने उत्थे चानण हो रहा है। यही मन भटकदा खिंडदा होया जदों किते शब्द दे सामने आउंदा है, प्रकाश पैंदा है, ये एकागर ते निर्मल हो जाता है। प्यारिओ जदों शब्द तो दूर जाता है, इहदे विच ही मलीनता आ जाती है, ये हनेरा हो जाता है। सतगुरु आ शब्द वरदे पैन, माई मन मेरो बस नाहे, एक काबू नहीं आता। नाल दस्या क्यों नहीं आता, नाल तरीका दस दिता। मैं सीधी जी गल करांगा, मैं हाँ आप जी हो, गुरबाणी मुताबक जेड़ा मन नहीं टिकदा उहदा बस इक्को ही उत्तर, इस मन दे विच मैल है। सीधी गल, किसे दूजे नूं पुछना मैं क्यों नहीं टिकदा, गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे सीधा जा उत्तर है, जिन्ना मन मैला होवेगा उन्ना खिंडा विच भटकना विच होवेगा, उन्ना बारमुखी होवेगा। जिन्ना मन निर्मल हो जाएगा उन्ना टिकाव विच ते अंतरमुखी हो जाएगा। इहनूं समझण लई हजूर दे दोक बचन ने, उस विच टिका भी है ते खिंडा भी है। ये गुरु अर्जुन साहब का शब्द है, अब मोरो नाचनू रहो, कानड़ा राग का शब्द है सतगुरां का, अब मोरो नाचनू रहो, लाल रंगीला सहजे पायो सतगुर बचन लहो। दो तुकां ने, अब मोरो इद जिवें महाराज ने कहना माई मन मोरो बसना है, उत्थे अब मोरो हुण मेरा नाचनू रहो, इहदा अर्थ है भटकना मुक गई मेरी, हुण मन नचदा नहीं पिया, थिड़कदा नहीं। क्यों जी? लाल रंगीला सहजे पायो सतगुर बचन लहो, सतगुरु दे बचन नू मन लिया मैं, ते जिहड़ा लाल रंगीले दा अर्थ है परमात्मा, वह मैं सहज अवस्था च पा लिया। हुण सवाल है, एक नाचनो ते एक टिक गया, भटकना ते टिकना। अगे फिर सतगुरु ने समझाण लई दो गल्लां होर कहीआं, एक तां साडी पंजाब दी बड़ी पुरातन उदाहरण है जिहड़ी अज नहीं, पहला सी अज नहीं मिलेगी, वह पर उदाहरण तो वही ने ना। जिस वक्त बच्ची का धी बेटी का रिश्ता मापे कर देंदे सन, उस वक्त चलो अज वर्गा सिस्टम ने सी किहड़ा कोई देखा दिखाई सी जी, इस तो पहला तो लग ही जाता हुंदा सी रिश्ता करन वास्ते, ब्राह्मण जाते हुंदे सन, उन्हें कह दिता भी रिश्ता हो गया, कोई फोटोआं नहीं सन, कोई एक दूजे नूं मिलिया नहीं। हुण वह बच्ची नूं मापिया नहीं अजे दस्या, पर बाबा हत्तर सिंह जी दे जीवन ते PhD की पटियाले दे एक डॉक्टर साहब ने, उस वक्त बाबा जी ने गल कही बे तुसी आपस विच बैठ के दोवें धिरां गलबात कर लिया करो। वह लोगों रौला पा दिता भी ये जी पुरानियां गल्लां, उन्हें अगली गल की आने वाला समा होगा, इस तो भी अगे निकल जाएंगे लोग, तो वह सच है ना जी। हुण उत्थे की है कि उन्हूं खबर मिल गई, भरजाइयां कोलों मिल गई। मैं पुरातन उदाहरण कह रहा अज नहीं, पर फिर भी याद रखियो, जिन्ते मर्जी चले जाओ, जिन्नी मर्जी तरक्की कर लो, जिन्नी देर तक गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप गुरमुखी सरगिपटे च ना, इन्हें तुहानूं तुहाड़ी माँ बोली तो टुटन कोई नहीं देना। भावें हफ्ते बाद आओ, कोई ना कोई शब्द ते कथावाचक दा कन्ना पै ही जाना है ना। उत्थे की है, रिश्ते दा पता लग गया, हो गया, वह ना मां नाल सांझ करदी है, ना भरावां नाल, ना बाप नाल, अपनियां सहेलियां नाल जरूर गल करदी, हसदी है, गलबात करदी है, आप बोलदी उहदे बारे भी, इस तरह पति होवेगा। गुरु अर्जन साहिब कहिंदे ने जिस दिन वह विआह आउंदा है
जेड़ी चंचलताई च पति बारे हस हस के सहेलियां नाल गल्लां कर रही है, जिदन व्याहन आया उदन तो उन्हें घुंड कढ लिया है। फिर मेरी बेनती जे इस नूं घुंड नूं रहत मर्यादा अनुसार ना कि कह दो भाई साहब मर्यादा तो गलत गल कर गए, बड़ी प्रॉब्लम है अजकल सच्ची लो सिखा जज बड़े ने बिना पढ़न तो, जिन्हें कोर्स तो बिना जज बड़ा खतरनाक हुंदा है। मैं फिर बेनती करांगा तो क्यों मेरे मन च आए ना भी गुरु अमरदास ने इस प्रथा ते रोक लाई सी, पर्दा नहीं करना, मंडी दे राजे दी राणी करके आई सी जिन्हों हजूर ने इन्हें कहा सी एक केड़ी कमली आ गई जिहड़ी प्यो कोलों परदे करी बैठी, वो शदैन होई। खैर वो ठीक भी होई, विआह सचन सच नाल होया। मैं फिर क्या जिहड़ा साइंस नूं सामने रख के पढ़दा उन्हें कहना नहीं, पर मैं तो दोवें महाराज दीआं खड़ावां दे दर्शन कीते आ गुरु अमरदास दीआं दे, वो उस परिवार नूं दित्तियां ने। एक सचन सच का पहला विआह सी, एक ओदी औलाद कोले खड़ा ते दूजी औलाद राणी दी है, एक खड़ा ओलां कोले मालवे दी धरती ते मानसे दे नेरे वाहिगुरू मेरा बडलाडे जिहड़े पिंड मैदे वास एक उत्थे पै गुरु अमरदास दी खड़ा। खैर रहो विचार है मेरा विशा नहीं। हुण जिहड़ी चंचलता च गल्लां कर रही सी हस हस के पति आया ते फेरियां वेले एडा लम्मा घुंड कढ दित्ता, महाराज कहिंदे ने मना तू भी इस्तरी दी तरह है, जिन्नी देर तक महबूब मसाई घर च नहीं आया तू चंचलताइयां च मार छाला, जिदन घर च आ गया सब तो पहला तेरा बोलना बंद हो जाना है। इहदा एक पाखे एकाग्रता, अब मोरो नाच नू रहो लाल रंगीला सहजे पायो सतगुर बचन लखो, ये तुकां ने कुवार कन्या जैसे संग सघेरी। मैं आप नू पहली बेनती कर रहा वा, चाहे मैं हाँ चाहे तुसी हो, एक पल्ले बलने भी जे मेरा अज मन बाणी च नहीं टिकया ते किसे नू पुछन दी थां किसे बाबे नू पुछन दी थां 24 घंटियां ते नज़रशानी कर लेनी है भी अज मैं किहड़े ख्याल बनाए, किन्हां नू चेते कीता, किन्हां बंदियां दीआं गल्लां कीतियां, ते अगली गल अज मैं जिहड़ा फोन इहदे ते पढ़िया की कुछ बस यही उत्तर दे देगा भी तेरा मन क्यों नहीं टिकदा। महाराज कहिंदे महल है कुमार कन्या जैसे संग सहेरी प्रह बचन उपहास कहो, जो सुरजन ग्रह भीतर आयो तो मुख काज लजो, काज लजो शर्म नाल अपना मूँह ढक लिया। इहदा मतलब साईं आया ते बोल खत्म हो गया उहदे। हुण अगली तुक जिहड़ी है वह भी महाराज कहिंदे ज्यो कनको कुठारी चढ़ियो कबरो होत फिरो, क्यों नहीं मन टिकदा, जिवें सोना कुठाली विच पाया सुनार वीर ने, थल्यों अग बालदा सोना तिड़कदा नाले आवाज़ देंदा ते नाले सोना कुठाली दे चार चुफेरे दौड़दा भजदा टिकदा नहीं। ते जे उहनूं कहीए जी इहनूं इह तिड़क रिहा टिक नहीं रिहा तूं अग बाली जाना तेज करना, वह कहिंदा इह भटकदा भी तां पिआ अग बली है, इन्हें टिकना भी तां है कि अग बली है। मैनूं बड़ी सोहणी इह गल लगी हजूर दी कि जदों अग ना बालो सोने की डली लै लो, कड़ा लै लो, मुंदरी लै लो, जिदे विच मैल पई होवे, जिदे विच कुरलेवां होवे, तुसीं इत्थे रख दिओ ओह भांडे च कितें भटकेगा, जदों अग दा सेक लगना उहने पिघलना, पिघल दे विचों मैल निकलेगी, ते मैल दा सुभाअ उह सोने नूं टिकण नहीं दिंदी, जदों मैल सड़ गई सोना अपने आप टिक गया, पर सियाणा सुनार मैल कढ़दा भी अग नाल है ते टिकांदा भी अग नाल है। जदों असीं बाणी पढ़ने आ ना जी, मन्नो जां ना मन्नो ਉਹ ਕੁਝ ਫੁਰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖੰਡਾ ਵਾਲੇ, ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਗੰਦਾ। ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਿਆਣਾ ਸੁਨਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਨਾ ਤਿੜਕੇ ਭਟਕੇ ਕੁਠਾਲੀ 'ਚ ਭੱਜੇ ਕਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਅੱਗ ਹੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਗਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਧ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਉਗਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਉਂ ਕਨਕੋ ਕੁਠਾਰੀ ਚੜਿਓ ਕਬਰੋ ਹੋਤ ਫਿਰੋ, ਜਪ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭੈ ਹੈ ਬਾਰਹ ਤਬ ਤੇ ਥਾਨ, ਥਿਰੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਕ ਗਿਆ।
मैं इस विषय ते बोल रहा, माई मन मेरो बसना है, निस बासर बिखियन को तावत कहीं बिद रोकूं ताहे, दिन रात उधर भटक रहा है। अगली बेनती होर, गुरु ग्रंथ साहिब हूँ जिन्हें असी बैठे हैं, मैं तो इस चीज़ को मानिया, क्योंकि अज साडे सज्जन आवागमन पुनर्जन्म, मैंने तो कई बंदे ऐसे मिले जिहड़े पहले जन्म बारे जानकारी रखते, आवागमन नहीं असी मानते। मैं पता है बाबे फरीद ने नहीं मनिया सारी अपनी रचना च, उन्हां दी सारी बाणी च आप जी बड़ो, सिर्फ केवल एक बाबा फरीद ने जिहड़े सिर्फ इस्लामी मत की गल करदे आ, गोरां से निमाणियां बहसन रूहां मल, पर बाबा जी कहिंदे मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कमिहार घड़ भांड। मैं कहना एड्डी वड्डी विशालता, अपना तो थोड़ा जिहा ख्याल ना रले, आपां गुरद्वारे नहीं बैठते, खिमा करियो, एक स्टेज ते नहीं बैठ सकते। मैं कहना फरीद साहब कबर की गल, रूह की गल, अजराइल की गल, अमलों की गल करता है, पर गुरु नानक का हिरदा विशाल, कहिंदा अपने धर्म च परपक है, भावें पांच नमाज पांच वक्त की नमाज की गल करे, मैनू ये भी प्रवान है। एदू वड्डी मेरा ख्याल है खुल खुल दिली किसी धर्म च नहीं मिलेगी। हजूर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने ये शब्द वरते, मैं बेनती करा कौन ये जड़ा है, ये सारे लक्षण पिछलियां जूनां वाले भी आते हैं, अज का तो तुरिया नहीं। तो यह भी जी गुरु ग्रंथ साहब ने कहा ये इन्ना क मलीन हो चुका है, फिर तुहानू पुराना पंजाब वल जाना पैना इस दे इहदे लई वी। वह शब्द है जन्म जन्म की इस मन को मल लागी क्याला हो वसया, ये तो सौखे अर्थ हो गया। इहदा मतलब कि जन्म जन्म की जिहड़ी मैल लगी है, ये कुछ हर जन्म च लैके अगे तुरदा रहा, विकास तो करता। डारविन की थ्योरी ठीक है, वह अपने ढंग नाल कह रहा भी बंदा इस तरह पहुँचता इत्थे पहुँचिया। गुरु ने सीधी गल कही भी आत अंदर वाला चेतन जिहड़ा है वह चोले बदलता रहा है, कई जन्म पैकीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरब होयो। हुण आ जिहड़ा जन्म जन्म की एक जन्म की तो है नहीं, ये सारी मैल लेके आउंदा है। यही कारण जदों ये मानस देही विच इंसानी गल नूं भुल जांदा है ते ये बंदा सच्ची मुची आप उदरा हो जाता है, फिर गुरु कहिंदा भी चोला इहदा बंदिया जिहदे पर मन इहनां दा पशुआं वाला है, करतूत पशु की मानस जात। वेखो उत्थे सिद्धे ने भी ये जिहड़ा तन इहदा है बंदा ही जे, पर अंदरों इहदियां करतूतां पशुआं वालियां ने। मैं उस दिन कहा सी गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदा जदों बंदा गुस्से च नचदा है ना, समझो बांदर वाली जूण इहनूं चेते आ गई, उस तरह नचदा जे बांदर नचदा है। नृत्यं करोट जथा मरकट है, महाराज कहें इस तरह नचदा पै जिवें मरकट नचदा है। फिर मैं बेनती करांगा किन्ना चलदा होया, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होवा स्याह, स्याह शब्द भी फारसी का है जी, काला स्याह हो गया, इहनूं सीन नाल पढ़ना शीन नाल नहीं हैगा, काला होवा स्याह। अगे गुरु जी कहिंदे खनली धोती उजली ना हो वई, इहदे अर्थ मेरा ख्याल इस तुक बड़ी बड़ी बोली है, खनली की हुंदी है। मैं तां कहा भी तुहाडा ध्यान फिर पिछोकड़ जाना है, आने वाला समा आएगा, मैं कोई भविखबाणी नहीं कर रहा, जेडे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच महाराज ने बिंब वरते ने वह गुरुद्वारियां च तस्वीरां ला के दसना पैना, महाराज आ कहिंदे पए जे। हुण खनली की हुंदी है, खनली धोती उजली ना होवी जे सो धोवण पाहो, जिन्होंने कभी कोल्लू चलदा तेल वाला देखिया उन्होंने पता है, जदों वह कहानी विच सरों पाँदा है तो कोल्लू चो तेल निकलता, कुछ तेल जिहड़ा है वह कोल्लू दे चार चुफेरे डिग पैंदा है। उन्हें निक्की जी सोती कपड़ा रख्या हुंदा, एक लीर रखी ज कपड़ा रखे है, वह चुकदा कपड़ा तो बाहर डुले खो तेल नूं साफ करदा, कई बार कोल्लू बंद कर लग्या उदू बाद साफ करदा, एक तो तेल की मैल उहदे च वड़ गई। खनली का अर्थ है वह कपड़ा जिहड़ा थिंदिया भी गया है तो मैला भी हो गया है। गुरमुखो सीधी गल, कल्ली मैल होवे तो उहनूं धोना सौखा है, जिहदी चकनाई नाल मैल आ जाए उहनूं धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यह पुरातन उदाहरण है, खनली धोती उजली ना होवी, ये जिहड़ी लीर तेरे मन की कई जन्मां की थंध्याई संकल्प विकल्प फुरने संस्कार लैके तुरी पई है, ये उस तेली का कपड़ा है, ये थिंदा ते मैला हो चुका है, इन्हें धोतियां छेती साफ नहीं होना, तो जो तंद मैल पै जाए प्यारे उदों कई बार कपड़ा पाट जाता पर साफ नहीं हुंदा।
पर मैं फिर भी बेनती करांगा, ये गुरु साहब ने जरा उदाहरण दिती कि बड़ा पुराना। हुण अगली बेनती है जी, शब्द है, माई मन मेरो बसनाए निस बासुर बिखिन को तावत। मैं उस दिन इत्थे कहा एदू वड्डा बेतवारा कोई नहीं, मैं भी हाँ ना, चाहे तुसी सारे नहीं, ये अज प्लैन बनांदा कुछ सवेरे ढा के वह मारदा। बेत बारे मन बारे मैं दो उदाहरण देना। एक मैं उस दिन कहा सी भारत विच भरथरी का नाम बहुत वारी आउंदा है, उंज एक भरथरी सिद्ध होया, एक भरथरी बहुत पुराना होया, ये उजैन का वसनीक सी, इहदे भरा दा नाम विक्रमादित्य सी। मैं उत्थे कथा करन गया भरथरी का, उत्थे सारा इतिहास भी मिलता। इन्हें तीन किताबां लिखियां सन जी, गूढ़ संस्कृत, बैराग शतक, श्रृंगार शकत शतक, तो नीति शतक। शतक आपनू पता है संस्कृत में सौ नू कहिंदे, वो सौ सौ जिहड़े ने उहदे पदे ने जां कवित ने जां सवैये ने, उन्हां दी गिनती सौ है। बैराग शतक जो है उस विच भरथनी ने उहनू अपने घर तों सट बड़ी वज्जी सी। जदों अपना कोई सट मारदा ना, याद रखियो, उदों बंदे दी रूह कुरला उठदी है। दूजे तो पता हुंदा कोई नहीं, इहने मैनूं बख्शना कोई नहीं। अपने दी सट जरनी बड़ी मुश्किल हुंदी है। अपने दी सट वज जावे कई वारी बंदा सच्ची मुच रोक के सुक्का हो जांदा, किसे ते भरोसा करदा ही नहीं। उहदी फैमिली ने जां उहदे परिवार ने, उहदे मन च बैराग आ गया। मैं फिर अर्ज करांगा, मैं उस बैराग नूं गुरमत दे बराबर, बैराग दे बराबर नहीं रहांगा, क्योंकि गुरमत दा बैराग ना संसार छड़ांदा ते ना परिवार छड़ांदा है, पर सिर्फ बेतवारा मन। वह घरों सब कुछ छड़ दिता, भरा नूं राजभाग दे दिता, जदों चलिया गल औड़ जी लगेगी। चाननी रात सी, घर भी छड़िया, राणियां छड़ियां, सब कुछ छड़िया। चाननी रात जांदियां होया की देखदा, भी चानण च ना लाल जिहा चमकदा पिया कोई, सब कुछ छड़ के आया। तो पता नहीं मन च फुरना उठा भी चलो जंगल नूं चले हाँ, अपना दी पल्ले भी कुछ नहीं, लंगोटी लै तुरे हाँ, आ लाल ही पकड़ लाँ। देखो बेतबारा मन, लाल पकड़ लाँ। जदों हाथ पाया वो लाल नहीं सी, वह किसी ने पान चब के तबा सटिया होया सी लाल रंग दा। उहने फिर उत्थे कह कहिंदा रतन जड़त मंदर छड़ तजे अर सखियन का साथ। बेतबारा मन, रतन जड़त मंदर छड़े त्याग दिते, घर छड़ दिता रतना जड़िया, रतन जड़त मंदर त्यागे अर सखियन का साथ, रे मन धोखे लाल में दियो पीक में हाथ। कहिंदा जाओ बेतबारिया नकम्मिया, उत्थों ही चार हीरे जेब किते पाले दी पोटली बन के, तू अजे तुरिया किन्ना कहें। कई बार बंदा लखां रुपये छड़ जांदा, अजे जदों बेतबारा मन बेईमान हो जाए कि डालर पिछे सहु चुक जाता है, इहदा कोई भरोसा नहीं। मैं फिर बेनती करांगा बेतबारा। दूजी गल, ये इन्ना चलाक है, हुण इत्थे बैठा बिल्कुल ठीक, जदों मौका मिलिया इहने फिर कारवाई फिर शुरू कर देनी। मैं एक बार उदाहरण भी, ये दो जिहड़ियां मैं उदाहरणां दित्तियां ने, तीन के ये बाणी दियां नहीं, ये दूजे ग्रंथां दियां ने। अपने जी पंजाब भी तुसीं देखदे हो, तुहाडे इत्थे भी है कि डड्डू जिहड़ा है, मेंढक जिहनूं कहिंदे आ, उह जेठ दे महीने च कितें मर थोड़ा जांदा, जदों लू चलदी ना पोह दी सर्दी च मरदा, जिउंदा रहिंदा है। ते पोह च मीह पए ते बोलदा भी नहीं, पोह दी बर्दाश्त नहीं जे बोलदा, उत्थे मैं कह रहा। हुण आम बंदा समझे जी ये भादों च बड़े डड्डू सन, सौं च बड़े डड्डू, सारे मर गए। मरे कोई नहीं, वह थले लुके बैठे आ, वह इंतजार कर रहे पे जिदन मीह पिया उदन बाहर निकल के गरुड़ावांगे, बोलांगे गरुड़। डड्डू गरड़ांदा है। उत्थे महाराज कहिंदे, ओ सियाणा बंदा कहिंदा, लोको कई वारी अपने ख्यालां दे थले, तयां दे थले मन दीआं बदियां लुकियां रहिंदियां ने। जिद्दन कुसंग दिया मीह पैंदा है ना, पुराने यार आउंदे ने, फिर उदों ओह निकल के गरड़ांदा जिहड़ा 10 साल पहलां गरड़ांदा सी। उहने लिखिआ, मैं जानियो मन मर गयो, मरियो सो अजहू नाहे, बरखा पड़ी कुसंग की दादर ज्यों गरड़ाए। जदों कुसंग दा मीह पिया फिर इस तरह गरुड़ गरुड़ा रहा जिवें सच्ची जी ये गरुड़ांदे पए ने, मेंढक है डड्डू है। फिर बेनती है गुरमुखो,
गुरु साहब कहते हैं मन मेरा वस विच नहीं, लफ्ज कह ये बिखिया विच प्रवृत्त कह, मैं सिर्फ ये बेनती करनी वो बिखे केड़े। उंज वैसे महाराज गुरु तेग बहादुर साहब ने ना जी दो शब्दों में दसिया, एक तो है साधो ये मन गहो न जाई, ये भले पुरखो मन नहीं पकड़िया जाता। उत्थे पहला कारण दसिया चंचल तृष्णा संघ बसत है ताते थिर ना रखाई, ये चंचल तृष्णा नाल वसदी मन टिकदा नहीं। दूजा उन्होंने एक शब्द वरत्या पापी ही है मैं काम बसाए, मन चंचल जाते गए हो ना जाए। एक तृष्णा दूसरी कामुक बिरति इस मन नू टिकन नहीं देंदी पई। मैं इस बेनती करांगा माई मन मेरो बसनाए निस बासन बिखियन को तावत, ये बिख की है, बिख दा लफजी अर्थ वैसे जहर है, बाणी च विष दी थां ते बिख वरत्या ज्यादा, एक लफज बिख्या भी वरत्या। मैं क्या ये बिखियन बहुवचन है, बिखियन बिख्या भी वरत्या, विष की ने विषय की ने। यह मैं उस दिन सनोजे ये विचार आई सी मैं यो, क्योंकि विशा तो उही रहने जी विषय जड़े ने, विषय की ने। मैं क्या सी पांच तत् ने, पांच तत्तां दे पांच गुण ने, पांच गुण जदों बंदा रस वाले पैसे लै तुरे तो पांच विषय बन जाते हैं, जहर बन जाते हैं, ये विषय विचू लफ निकलता विकार, विकार बन गए। हुण पांच जड़े विषय ने वो पांच गुण ने जी, पंजां तत्तां दे शब्द स्पर्श रस रूप ते गंध। ये मैं सारियां गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब चों कर रहा जिन्हों आपां तुसीं सारे मत्था टेकने। ये बिखियन वाले पासे तुरे है शब्द स्पर्श रस रूप ते गंध, इन्हां तों बिना साडे ज्ञान इंद्रिय चल नहीं सकते। मैं बोल रहा जे शब्द का गुण ना हो ते तुहानू मेरी गल समझ पैनी, शब्द एक गुण है, ये असल च गुण है आकाश तत्त दा, ते इहनू जानण वाला सुराख भावें साडे नक कन्न दा सिस्टम एक ही डॉक्टर वीर दस दिया, पर जे कन्न बन हो जाण बोले हो जाण नक ने आवाज़ नहीं पछाणी सुराख ने। शब्द का संबंध कन्ना नाल है, क्योंकि शब्द का जिहड़ा गुण है वह इहदा तत्त आकाश है, इहदा संबंध कन्न नाल है। सुनना कोई माड़ी गल नहीं, गुण के रूप च वरतोगे तो ये वर्गी रब की दांत कोई नहीं, पर जदों हरन इस गुण को छड़ के विशा बनांदा उदों इहदे सीने च तीर वजदा है। इहनू फिर बेनती नू सुनियो, ये बाणी चों मैं कह रहा बिखियन की है। सुनना माड़ी गल नहीं, गुरु तो कहिंदा आयो सुन पढ़न को बाणी, सतगुरु कहिंदा ए सरवणो मेरियो कर तुम मैं, ए सरवणो मेरियो सच है सुनने नू पठाए, शब्द वरते आ। जदों कन विच सिर्फ गुण सुनदा रहे कि मैं ओना क सुनना है जिन्ना मेरे लाए बंदा, पर नहीं सच्ची मुची ए ओ कटोरे जे जेडे इस मन दे विच पता नहीं किन्ना कोई जूठा मिठा सच्ची बे अंदर ही बो हो जाती। मैं एक बार आप नू कहा सी इनू हठ नाल ना लियो, है तो मन की गल भी किसी बंदे नू सुन के इग्नोर करना ए भी एक एयर प्लागी है। उंज बंदे इस ही पाते एक सनातनी साधु सी, वह दरबार साहब आए तो उन्हें कीर्तन सुनिया। उंज वैसे मैं कहना गुरु रामदास तेरी कृपा इन्नी असी कोई नहीं योर यूर लाते भी संगत इतने जुड़े, तेरी मेहर इन्नी कु वरदान दी सेवा दरेके खलोता हुंदा हज़ारा बंद बंदे निष्कामी सेवा करी जाते हैं। कोई पेड़ थोड़ा जी उत्थे जेड़े भांडे मांजदे आ यार, किहड़ा पेड़ है उत्थे उहदी कला वरदी है ना। वह आए जी उन्हें कीर्तन सुनिया, कीर्तन सुनिया तो दोबारा मन कितने जदों भावें कोई ओम कह भावें कोई सोम कह भावें कोई गॉड कह, जदों शब्द नाल किसी का अंदर जागना शुरू हो जाए ना, वो फिर वो नहीं वेंदा भी ओम कहना जां राम कहना, सच्ची ये वे कि जागया होया अंदर उत्थे जरूर टिक जाता है। भावें गोरा काला हो रूहानीयत ने यह पूछना थोड़ा भी तेरा खानदान पिछों तू कौ कौन है। इस करके गुरबाणी ने सदियों तो बने हुए वर्ण वंड नू सट मारदिया कहा, कहन लगे ब्राह्मण दे घर चंडाल पैदा हो सकता है ते जिन्हों तुसी चंडाल कहिंदे उहदे घर ब्राह्मण पैदा हो सकता है। गुरबाणी ने जी पहली बार नामदेव ते कबीर ने अपनी रचना च अपने आप नू जुलाहा ते छींबा ही कहा, पर गुरु ग्रंथ साहिब च महाराज ने पहली बारी कहा कबीर ते नामदेव दोनों ब्राह्मण ने
जेडे इन्हां नूं मजाक करदे ने दरअसल वह शूदर ने। नामा छिंबा कबीर जुलाहा पूरे गुर ते गत पाई ब्रह्म के बेते। महाराज कहिंदे असली ब्राह्मण दोवें ने जिन्हों तुसीं जुलाह ते छिंबा कहिंदे पए हो। बड़ी वड्डी बात है, वह कह थोड़ा इन्हें गुरु अमरदास नूं साडी तुसीं सपोर्ट करो। रूहानीयत एक ही हुंदी है, सुनना माड़ी गल नहीं। हुण उह सुणदे सन कीर्तन, उन्हां कीर्तन सुनिया अंदर टिक गया। वह फिर जी जाते नहीं सन किते, सारा दिन कीर्तन सुनना। तो कोई जरूरी नहीं मैं सिख दे घर च पैदा होया मैं ही क्रांति लियानी है, पता नहीं गुरु कि पिठ ते हाथ रखे तो सारा काम पलट के रख दिंदा। मैं ये गल है कि जो ननकाणा साहब का साका से मंजा मंजी साहब अर्ज की सी कि मैं रिपीट कर लगा, फलोर के नेड़े एक पिंड है बकापुर, इत्थे मौलवी होए ने एक, शायद उन्हें कुतुबद्दीन से इस तरह सी जी, मैं ना थोड़ा विसर गया पहला। उन्हें निर्मले साधुओं की संगत की, सच्ची मुची साधु सन, उन्हें बाणी की चेटक लग गई। जब जी साहब मास्टर से पढ़ा जाता सी, सारा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिया, घर च प्रकाश कर लिया, फिर सारे परिवार ने अमृत छकिया। इहदा नाम भाई लखमीर सिंह रखिया, इहदा कोई खानदान पिछों सिखां नाल संबंधित नहीं। इहदे अगे बेटिया अमृत छकिया, इहदे वड्डे बेटे का नाम सी महताब सिंह। उन्हें फिर एक संस्था बनाई खालसा बिरादरी। उस वक्त हरिमंदर साहब के अंदर वर्ण वंड मुताबक पुजारी जेडे सन, जेडे जिन्हां नूं लोक कह रहे हैं शूद्र कहिंदे सन, उन्हां दी देग दा समां निर्धारित सी। उस तो बाद उन्होंने देग नहीं सी चढ़दी। उन्होंने जल्लियांवाले बाग कीता प्रोग्राम, जिथों मुढ़ बजदा गुरद्वारा सुधार लहर दा जां कां भी पुजारियां दे भजन दा। वह फिर देग लैके हरिमंदर साहब आए। पहले दिन तो कोई नहीं सिख गए जी, सच्ची मुची कोई आगू नहीं सी गया। जदों कट हो गया दूजे दिन वे खालसा कॉलेज के प्रोफेसर गए, विद्यार्थी गए, उहदे विच सरदार तेजा सिंह पुचर सन, बाबा हरकृष्ण सिंह सारे गए। जदों देग लैके गए, महताब सिंह अगे सी, देखो उहदी पिछली तीजी पीढ़ी कोई सिख नहीं, उहदा बाप सिख बनिया। उहने कहा भी साडी देख, उहना कहा तुहाडा इह वेला नहीं, तुहाडा वक्त लंघ चुका है। उत्थे फिर कलेश होया, उत्थे फिर इक्को फैसला होया कि पुजारियां नूं कहा कि जिस गुरु ग्रंथ साहिब नूं तुसीं असीं एक थां ते सहमत आ मत्था टेकने आ ना, तुसीं एक काम करो, अरदास करके जे गुरु ग्रंथ साहिब हुक्मनामा जिहड़ा देगा तुसीं मान लो, मैं भी मान, असीं मान लैंदे आ। वह बैठा एक विच कहिंदा साडे कोल ज्ञान दीआं गल्लां ना करो। उत्थे फिर चलो वह पेंडू काम कीता, उन्हें कहा भी डांगे काम दूजा भी करांगे। उत्थे फिर हुक्मनामा आया, उस हुक्मनामे करके फिर दरबार साहब की सेवा पुजारियों तो पंथ नूं मिली। हुक्मनामा से निगुणियां नूं आपे बख्श लै भाई, सतगुरु की सेवा लाए, सतगुरु की सेवा उत्तम है भाई, राम नाम चित लाए, हर जियो आपे बख्श मिलाए, गुणहीन हम अपराधी पूरा सतगुरु लिए लाए। उस दिन दरबार साहब दी मैं तां तुहानूं बेनती की भी एवें चोखा ये भी ना होमे वरती जाई, सिख सिख पता नहीं गुरु ने किहड़ा पिछोकड़ किस दा, उन्हों अमृत की दात दे के किहड़ी सेवा लै लैनी है। इस घर च चिंती खेड़ वरदी। मैं फिर विषय तो दूर नहीं जावांगा, निसबाक बासन ये विखियां च प्रवृत्त है। उन्हें कीर्तन सुनना, कीर्तन सुन के वह अपने कन्न च जिहड़े बुंदे पा लैंदे सन उन्न दे, पहला बीबिया न्याणिया दियाँ बना दियाँ सन उन्न दियाँ सकाप जै, तो दो फुम्मन जै लटका, फुम्मन शब्द समझते, फुम्मन लटका दिंदियाँ सन, उन्हें बुंदे कहने। उन्होंने जी जिमें अज के एयरप्लै कहो, उन्होंने बुंदे हैं तुन लैने परिक्रमा जो निकल दें, जे किसी ने गल करनी अंज कढ़ लेना फिर बंद ठोक लेना। उन्हें कि पूछा भी सारा दिन कीर्तन सुनते हो, तुहानू कन्नां दी कोई बीमारी है? कहिंदा बीमारी कोई नहीं, चंगा भला कीर्तन सुन के जाना, मन टेकया कि बाहरों कोई होर ज्ञाना सिंह टक्कर जां कोई होर ना सुना दे, मैं इहनू बंद ही करके रखना। उंज गुरु ने बाणी च कहा, फरीदा ए तन भौंकणा, नित नित दुखीए कौण, कन्नी बुझे दे रहा कित्ती वगे पौण। आ अगनोर ही है कित्ती वगे पौण, जिन्हें मर्जी पुरने उठे हो जाण, चलो जाओ परा निकलो। मैं फिर बेनती करांगा, बिखियन सो जिहड़ा कहे निस बासर बिखियन को धावत, सुनना माड़ी गल नहीं, पर जदों खरन
इस गुण नू विष दा रूप देंदा है, घंडे खेड़े दी आवाज़ सुनदा है। प्यारो सच्ची गल जे शिकारी तीर मार के मार देंदा है, ये गुण फिर बिख बन जाता है। सुनना गुण है, शब्द गुण है। दूसरी बेनती, अखां दा जिहड़ा संबंध रूप नाल है, रूप गुण अग दा है। मैं कहा भी पांच गुण ने, यही जदों बंदा खद टपदा यही बिख बनता है, जहर बनता है। सीमित रख के रोटी खाओ तो एनर्जी है, तो वध खा लो तो फूड पॉइजन कहिंदे आ डॉक्टर। इहदा मतलब जिहड़ी खुराक है जहर बन सकती जे मर्यादा नूं तोड़ोगे। तो हुण असीं अखां नाल देखने आ, रूप गुण है, इहदे तो बिना नहीं कोई देखिया जाणा। इहदा संबंध अग नाल है, पर जदों भंबट वेखदा तुसीं भी दीवे नूं देखदे हो, मैं भी देखना, पर असीं देख के सिर्फ दूर खलोते हाँ। भंबट इन्ना कि शदाई हो जाता है, बल दी लाट उत्ते घूमदा है, डिगदा सड़ जाता है, उहदा वेखना गुण जहर बन जाता है, विष बन गया। जिस तरह कन दा सुनना शब्द, हरण दी मौत, अखां दा रूप, भंबट दी मौत, नक दी सुगंधी, भवरे दी मौत, जीव दा रस, मच्छी दी मौत, ते गुरमुखो सकिन दी स्पर्शता, हाथी दी मौत। ये पांचवें गुण गिने ने, शब्द, स्पर्श, रस, रूप ते गंध। गुण ने जदों मर्यादा टुटदी है प्यारे, उदों जहर बनते ने, ते ओही जहर बंदे दी मौत कर दिंदा। गुरु कहिंदा है, महाराज कहिंदा किवें करां, बाकियां जीवां नूं तां एक एक चंबड़िया, मैनूं कल्ले नूं पंज चंबड़ गए ने, मेरा की बनेगा। माई मन मेरो बस ना है, मेरा मन वस च नहीं। निस बासन बासुर बिखिन को तावत, दिन रात विषयां विच कह। इहनू सतगुरु ने कहा मृग मीन भृंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश पंच दोख असाध जामै ताकि केतक आस। आ दूजा श्लोक है, बिखिन सो काहे रचियो निमख ना होए उदास। ये सतगुरु का दूजा श्लोक है गुरु तेग बहादुर का। ओही गल गुरु साहब अज कर रहे हैं कि माई मन मेरो बस नाहे, निस बासुर बिखियन को तावत के बिद रोकूं। ता अगे मारे दसनगे तरीका किवें रोकना है, किवें इस नूं रोकां रहाओ। अगला बचन, वेद पुराण सिमरत के मत सुन। मैं सुन नूं डेली दूप च वर सकने आपां। चार वेद, 18 पुराण, 27 सिमरतियां, इन्हां दे मतां दी, इन्हां दे सिधांतां दी गल सुनदा पिया मन। अगे निमख ना ही है बसावै, अख झमकण जिन्ना समा जो कोई सुनदा इहनू हिरदे च वसांदा ही नहीं पिया। हुण इत्थे मैं फिर आप नूं अर्ज करां, मैं उस दिन कहा सी धर्म ग्रंथां दी गुरु ग्रंथ साहिब च कोई निरादरी नहीं कीती। किसे दा भी धर्म ग्रंथ है उहनू पूरा सन्मान दित्ता है, पर पूरा सन्मान दा मतलब इह नहीं कि हकूमत दे भय करके दित्ता है। जिथे गल गलत है उत्थे उहदा खुल के उहदे सिधांत नूं खोलिया भी। जिमें असी ये पाठ करने, महाराज कहिंदे ने सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, वह आ गल कह रहे आ, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। चार पुकार है ना तू मानै, खट पी एका बात बखानै, दस अस्थि मिल एको कहया, तां पी जोगी भेद ना लिया। हुण वेद भी सुने, पुराण भी सुने, सिमरतियां दे मत भी सुने, पर कहन लगे निमख ना हीए, हीए दा अर्थ हिरदा। पर मैं इहदा अर्थ मन करांगा इत्थे, क्योंकि प्रकरण मन दा चल रहा है। निमख ना ही है बसावै, निमख जितना समा इस मन ने अपने अंदर नहीं वसाया। कुरान विच एक सज्जन नूं मैं सुनिया सी, उह कहिंदा कुरान विच कहिंदे ने कि रूहानी इलम तो बिना अकल दा जिहड़ा इलम है, इह इस तरह जिवें खोते उत्ते भार लद्दिया है। रूहानियत तो बिना इलम इस तरह बोझ है कि जिमें खोते उत्ते भार लद्दिया है। तो जदों मैं सुनिया तो मैनूं महाराज की तुक चेते आ गई, वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर जन चंदन जस भारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस भारा। महाराज कहें तू वेद पढ़े पुराण पढ़े, पर सिमरन तो बिना तेरे उत्ते इस तरह बोझ पै गया जिमें खोते उत्ते चंदन लद्दिया होवे। ते लोग कहन वाह वाह कमाल बई, तेरी पिठ किन्नी कीमती। खोता कहेगा तुहाडे लई कीमती, मेरे लिए तो भार है। तुसी चंदन लदो भावें पत्थर लदो। इत्थे गुरु जी कह रहे ने वेद पुराण सिमरत के मत सुन, निमख ना ही है बसावै,
निमक जितना समा तू हिरदे च नहीं वसाया मना, फिर की कर रहे हैं? पर धन पराई दौलत वर उस तरह तेरी बिरती, पर दारा स्यों रचियो पराए तन वल पराई इसत्री वल उस तरह के फुरने। ते महाराज कहते बिरथा जन्म शराब है, सारी जिंदगी तेरी व्यर्थ चली गई, तू उन्हूं बर्बाद कर दिता। अगली गल क्यों नहीं टिकदा, मद माया कै भयो बावरो। मद दा अर्थ है नशा। मैं उस दिन कहा सी जिथे धद्दे नाल मद आएगा ना उहदा अर्थ है विचकार मद आएगा, इत्थे धद्दे नाल इहदा सीधा लफ्जी अर्थ है नशा। मद माया कै माया दे नशे विच भयो बावरो, बावरो दा अर्थ है झला कमला शदाई झलपुणा खलारद। कहन लगे ने काबू कित्थे होना, माया दे नशे विच झला ही इन्ना, इहनूं कुछ भी नज़र नहीं आउंदा। वेखो नशा तो कोई भी माड़ा है जी, कोई भी नशा जड़ा, कई नशे ऐसे ने जड़े पीते जाते, कई नशे ऐसे ने जड़े देखे जाते। अखां का भी नशा है ना, देखना जाना सुनी जाना। कहिंदे ने इह असल च माया दे नशे च कमला हो गया झला हो गया। सूझत नहि कछ ज्ञाना, जिमें शराबी बंदे नूं समझाउण दा यतन करो वह कोई गल नहीं सुनता, अपनियां सुनांदा है। सच ये जे जिस बंदे कोल चार टके विद्या ज्ञान दा नशा हो जाए वह छेती कितिया सुन नहीं सकता, वह भी लोगों नूं सुनांदा है। जिमें नशाई बंदा सिर्फ अपनी चलांदा है, इस तरह महाराज कहिंदे ताकत वाले माया दे नशे विच जिहड़े चूर ने वह कुछ नहीं समझदा, वह ज्ञान नहीं समझते। घट ही भीतर बसत निरंजन, वो तेरे हिरदे च ही निरंजन, माया दी कालख तो रहत रब वसद, ताको मर्म ना जाना। इत्थे मर्म दा अर्थ भेद, तेरे अंदर सी तो उहदे भेद नूं तां जाणिया नहीं, माया दे नशे चूरख हैं। हुण इन्नी गल सिर्फ याद रखियो, ये दो पद्यां तक समस्या दसी भी मन नहीं टिकदा, मन भटकदा। हुण गुरु तेग बहादुर अखीर ते समत दिंदे आ, जिवें रोज़ इस तरीके कर रहे आ, पहला दस दिया भी आ औगुण आ समस्या आ मुश्किल, फिर दस दिया इहदा हल। हुण अगे सतगुरु दस दिया भी किवें टिकेगा। अगे बचन है जब ही शरण साध की आयो, यही मन जदों सतगुरु साधु की शरण भी चला गया, इहदा होर तरीका कोई नहीं टिकन दा। जब ही शरण साध की आयो दुरमत सगल बिनासी, जिन्नी भैड़ी मत सी जड़ा ये मन काबू नहीं सी आउंदा। उस दिन जदो शब्द आया सी उत्थे ते मैं एक बेनती कीती सी, मन अते मत च दोनों च फर्क है, आपां वाचिया सी रब मेहर करे किसे दी मत ना मारी जाए, मन मैला हो जाए एक साधन रह जांदा वी जे मत निर्मल है कोई गल नहीं अगे बीमारी नहीं वधेगी। जिस बंदे दी मत मैली हो जाए उहदा कोई इलाज नहीं जी रहिंदा। इहनूं मैं फिर रिपीट कर लगा, मन मैला हो जाए इहदे उत्ते जिहड़ी मत है जिहनूं बुद्धि कहिंदे आ, जिहनूं अरदास दा अंग बनाया सिखां ने कि सिखां दा मन नीवां मत उच्ची जिहड़ा कहिआ, उत्थे जदों मन मैला हुंदा कई फुरने पैदा करदे जां निकलदे ने आ आ आ, ते मन इन्नी निर्मल हुंदी उह मत हुंदी है उह फिर नाल ही सट मार के कहिंदी बंदा बन तू की सोचना पिआ। इह कौन है जिहड़ा कहिंदा पिआ तू की सोचना, अपने आप नाल गल्लां करने आ ना आपां, पहलां फुरना फिर कहिंदा लाणत तो तेरे, उह कौन है जिहने लाणत कहा? उहनूं सतगुरु कहिंदा उह उज्जल मत है, उह निर्मल बुद्धि है। जिस बंदे दी मत निर्मल होवेगी उहदे मन दी मलीनता कर्म नहीं बनेगी। गुरमुखो जिस बंदे दी मत मैली हो जाए उहदा मन छेती साध्या जा ही नहीं सकदा। इत्थे उहनूं शब्द वरत्या दुरमत, गल शुरू की माई मन मेरो बस नाहे, ते इलाज दसन लग पे दुरमत सगल बिनासी। ये क्यों नहीं क्या मन दी मैल सगल चली गई? क्योंकि मत जदों मैली हो जाए उदों मन नहीं पवित्र रहिंदा। इस करके गुरबाणी भी जिथे मन नूं धोण दी गल की उत्थे ज़्यादा जोर मत ते दिता है, भरीए मत पापां कै संग ओ धोपै नामै करंग, सामत देहो दयाल प्रभ जित तुमै आराधा, मैनूं ओ सुमत दे ऐसी बुद्ध करो परगासा लागै प्रभ संग प्रीत। मारे शब्द वरदे आ बुद्धि, जदों संगत विच आए साध संगत विच आए, कहिंदे जिन्नी दुरमत सी जिन्नी भैड़ी मत मैली सी सच्ची इह संगत ने धो के रख दित्ती।
फिर इत्थे मत मैली हो सकती है कई सालों की, यह सिलेबस नहीं भी किन्ने साल लगनगे। मैं फिर गुरु ते भरोसा करके कहन लगा मत मैली हो सकती है 50 साल की, जिदन गुरु बख्शिश करन ते आवे ते 50 साल की मैल इउं धो के रख दिंदा खिन एक नहीं लगता। साढ़े सामने साड़ी तवारीख है, गुरु काल की तवारीख है, सिखां दे वेले की तवारीख है, इतिहास साढ़े सामने। मैं बेनती करना हुना कोई सिख ऐसे जिन्हां दे पिछली हिस्टरी देखो तो असीं कहिंदे आ भी बंदा किवें बदल गया, तो बदले एक खिन च। सज्जन ठग सी ना, सवेर तक मंजी दे दी बाबे ने। मेरी फिर बेनती सुनियो, उस बंदे दी इन्नी मत मलीन सी, वो सच्ची मुची सरां बना के शाह भी बनिया सी, सज्जन सेख भी बनिया सी, सब नू अपने कोलो रोटी पानी खवांदा सी, पर जिस वक्त गुरु नानक ने एक शब्द गाया, गुरमुखो एक शब्द ने जिहड़ा रात तक हंसियारा सी सवेर तक सच्ची मुची सद्दन बना दिता, संत बना दिता। भाई बिधी चंद ने सिर्फ अमृत वेले माझे दा उथां चोला साहिब बाबे अदली दी संगत कीती, ते ओ इस करके थोड़ा घरों तुरिया सी, अज मैं जाना है गुरु रामदास दा सिख अदली, उहदे कोल कीर्तन सुनना, उहदा नाम सुनना है, वह तो मझां लैके भज्जिया। चोला साहिब जिन्ना दर्शन किए ने बारे बाबे अदली का दरबार, वह मझां लैके गया, मझां उन्हें वारियां छप्पड़ च ढाब च पानी जिहा लवाड़ दित्तियां, वह अंदर चला गया झोंपड़ी च, उहदी जाने बला भी अज मझां चोरी कीतियां सवेर तक। सच्ची ए वे बिधि चंद चोर डाकू नहीं सी रहा, वह तड़फ रहा सी मैनू उहदे कोल लै जा जिन्हें तेरे जीवन की जोत बाली है। फिर मैं बेनती करांगा, सब नाल नहीं वापरदा, पर गुरु साहब कहिंदे जदों असी साध शरण विच आए, जिन्हां दसंदड़ियां दुरमत वंजै मित्र अठादड़े सही, जब ही शरण साध की आयो दुरमत सगल बिनासी, जिन्नी भैड़ी मत सी उहदा नाश हो गया। महाराज कहिंदे फिर की होया, जदों मत निर्मल हो जाए फिर चुगली निंदिया नहीं दी, फिर नाम ही चलता है। हुण अगला स्टैप की होया, इसे करके जे मैं कल परसों भी जोर दे रहा सां, यही कि मैं आया तुम आओ, मैं एक बेनती करांगा, मैं अपने आप में यतन कर रहा कि मना बार जो कुछ मेरे तेरे को जिथे जुत्ती लाना ना, इतने सारिया चौधरा सारिया पदवियां ते सारे वैर ला के आ जी, इतने बस इन्नी बह के गल की मैं गुरु की गल सुनना आ। तुम कुछ महीने तजर्बा करके देखियो, सची मुची मन रूहानियत वाल तुरेगा। हुण इत्थे दो गल्लां ने, मैं फिर सुनियो, एक शब्द है जब फिर आया तब, उत्ते तुसीं पाठ लिखिया होया, जब ही शरण साध की आयो दुरमत सगल बिनासी, जदों गुरु की संगत विच आया भैड़ी मत दा नाश हो गया, तब नानक चेत्यो चिंता मन, मैले मन नूं नाम नहीं चेते आउंदा, जब संगत मिली तब प्रभु याद आया। देखो गुरु तेग बहादुर साहब किन्नी बरीकी च कह रहे हैं, इहदा मतलब पहला सत संगत। इसे करके गुरु जी ने जी सत संगत ते बहुत वड्डा जोर दिता। ठीक है अजकल जूम ते चलदा भी असीं संगत ना जूम ते कर लैने आ, इस तरह सुनू, मैनू भी दो चार वारी क्या पता नहीं मेरा अंदर नहीं मनिया, ठीक है तुसीं इनफॉर्मेशन दे दोगे, पर जिहड़ी गल गुरु दे ये बाकी छड्डो, जिहड़ा स्वाद गुटका साहिब चों नितनेम करन दा हुंदा फोन चों आउंदा ही कोई नहीं, फोन सुक्का लगदा है। जिहड़ा पोथी परमेशर का थान है, टैबलेट नहीं हैगा परमेशर का थान, जिहड़े गुरु ने लफ्ज़ वरते ने गुरद्वारा, ये वह संगत है जिथे बैठ के अपने मन नूं पढ़ना है। गुरु रामदास कहिंदा है तां स्कूल है सत संगत सतगुर चटसाल है जित हर गुण सिखा। महाराज कहिंदे ने जब की शरण साध की आयो दुरमत सगल बिनासी, तब नानक चेत्यो चिंता मन, उदन मर्ज की चिंता मणि वो है जिदे कोलो जो मंगीए चिंता मिटदी है। गुरु ने उस पखंड तो ही बचा दिता, कहन लगे बाहर ना तुरिया फिरी चिंता मणि दे दर्शन कर, तू रब दा नाम जपया कर, ये सारी चिंता दूर करता है, नाम सिमर चिंता सब जाए। कई बार जी कई शब्द ने, मैं कहना हुना हुण काम तेन जी, संगत काम तेन गऊ है, साडे कई सज्जन कहिंदे हुंदे कथा करते जो माया को मिलती, काम तेन गो गुरमुखो
संगत नू गुरु कहिंदा रब वसदा तुसीं गां बनाई बैठे हो। नहीं हासे वाली गल नहीं, गुरु साहब कहिंदे काम तेन गौ नाम है, संगत विच नाम वसदा है, पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम। गुरु तो कहिंदा इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाकै वस है काम तेना। संगत बारे गुरु कहिंदा है, सतगुरु कहिंदे आ कि संगत विच रब दी साह चलदे ने। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जानै संत देवा देव। ये आसा राग शब्द कह भावें रविदास साहब जी ने काफ़ी हिंदी भी वरती, फारसी बहुत वरती, पर यह शब्द चो ना मराठी वरती। संत तुझी तुझी मराठी, तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान दे जानै संत देवा देव। संत ची संगत, मैं कल भी कहा ची शब्द मराठी ते पंजाबी बड़ियां नेड़े नेड़े ने। जो महाराष्ट्र कथा करन जाई दो साढ़े शब्द हुण ची असी किन्ने दी, असी किन्ने दंदां दा हस्पताल, कहिंदे दतांचा होस्पिटल दंदां दा हस्पताल। इत्थे रविदास साहब ने मैनू मन च बड़ी रिहाया भी महाराष्ट्र च ते इन्हां ने शब्द मराठी दे वरते। संत ची संगत, संत कथा रस, संत प्रेम माझै दीजै देवा देव। पर मैं खैर जिहड़े विषय ते हाँ कि सत संगत जिहड़ी उह गुरु कोल बैठ के सिमरन करके, फिर अर्ज है संगत सैमीनार नहीं हुंदा, क्योंकि पिछले समय बहुत कुछ होया, कथा वाच कथा कर रहे विच खलो के आ सानू उत्तर दिओ जी, ये उत्तर लैना तो फिर सत संगत ना बनाओ, फिर कुर्सियां ला के सैमीनार करो, कॉन्फ्रेंस करो। हाँ कोई बुलारा बोलदा है समझ नहीं पई, जां वो गलत कोई सर्वकला समरा थोड़ा उहदे नाल थल्ले उतर के गल करो, पर सुखिरदता नाल उत्तर मंगो, ना कि उहदी बेइज्जती करन वास्ते। ये सत संगत दे कुछ असूल ने जी। भाई नंद लाल साहब नूं पढ़ो रहतनामा तनखाहनामा, वह कहिंदा जिहड़ा बंदा संगत विच जा के द्वेष पैदा करके अपने मन नूं पटकांदा गुरु का तनखाइया। डॉक्टर गंडा सिंह ने जिहड़ी एडिट कीता भाई नंद लाल नूं, वह तां कहिंदा प्रसाद वरतांदिआं लंगर वरतांदिआं तुहाडी लख वरोता होवे, लंगर वरतांदिआं जे तुसीं द्वेष करदे हो तुसीं गुरु के तनखाइए। किड्डी वड्डी संगत का कंसैप्ट है जी। पर मैं फिर बेनती करांगा जिथे सतगुरु उत्थे सत संगत है। कई बार कहिंदे संगत इक्की विसवे हुंदी है, गुरु विसवी भी विसवे हुंदा है। मैं कहिंदा नहीं, गुरु वड्डा हुंदा है। सत संगत तां हुंदी जे गुरु है, जे गुरु नूं वख कर लोगे सत संगत नहीं रहना, लोकां दा इक हजूम होवेगा। इस करके गुरु अर्जुन देव ने कहा पिंगल पर्बत पार परे खल चतुर बकीता, अंधले त्रिभवन शिव जिया गुरु भेट पुनीता। पिंगले नूं पहाड़ ते चढ़ा दिता संगत ने, अन्ने नूं तिन्ना भवना दी सोझी आ गई। पिंगल पर्बत पार परे खल चतुर बकीता, अंधले त्रिभवन शिव जिया गुरु भेट पुनीता। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पै चीता। अंदर टिक गया। इत्थे सतगुरु कहते जब ही शरण साध की आयो दुरमत सगल विनासी, तब संगत च फिर एक प्रेरणा मिली, मन निर्मल हो गया। एक कूड़े बेत पारे नूं समझ पै गई, जिन्हों कहा सी ए तेली दी लीर है, लीर लीर शब्द वरते सन अपने भी लीर। हुण मेरे ख्याल ते लीर शराब नूं भी कहिंदे शायद, कोई इस तरह कोई वरते शब्द कोई वो लीर कपड़े दी है ना। हुण इहनू क्या तेली दे कप लीर उहदी कोलू दी, हुण जदों शुद्ध हो गया उदों कह लगे कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछै लागू घर फिर कहत कबीर कबीर। कहिंदे जदों निर्मल हो गया रब मैनू आवाज़ा मारन लग गया, कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। संगत विच्चों नाम चेते आउंदा। सीधी गल ये पुछो जी संगत की की परिभाषा, मैं तो इको कहांगा जिस गुरुद्वारे जा के तुहाडा चित करे, मैं सवेर तो जपजी साहब शुरू करना है, मैं गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना, सत संगत है तो जिथे जाके नितनेम छुट जाए फिर सेते रखो। एक एक बिल्डिंग ते एक काठे सत संगत अजे नहीं बनी, समूह भी संगत है। फिर इस तो अगली संगत हो रही ख्यालों की, बंदा कदा कली सिख तो कभी कला रही नहीं जी, फिर उत्थे ख्याल ये सत संगी बन जाते हैं।
इहदा निर्मल हिरदा सत्संग बन जांदा है। गुरु जी कहिंदे तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फांसी जमा दी फाई कट दित्ती। इन्नियां कु बेनतियां स्वीकार करियो, बेअंत भुल्लां मेरे तो होईयां ने, मेरे तो कोई लफ्ज़ तलफ़ बोलदियां जे किसी नूं ना चंगा लगा बख्श दिया जे, पर सच्चाई मेरे तुहाडे वास्ते ही है। गुरद्वारा जुड़न दी थां हुंदा है, गुरद्वारा टिकण दी थां हुंदा है, गुरद्वारा गुरु दे राही रब दे दर तक जाण दा इक रस्ता हुंदा है। होईयां भुल्लां बख्शनियां। कल नूं अगला शब्द महाराज फिर सानूं कहणगे, ओ बंदिया रे नर ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार। ये कल नूं आपां विचारांगे।